तुम्हें नहीं पता था कितने बड़े हो गए। ओए तुराब ये उड़ जाएगा। तुराब तुराब पागल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार वहां पर ना फियाज भाई ऐश और फियोना के घर का फर्श कंप्लीट करने वाले हैं आज। आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी आया हूं अपने वाटरफॉल के पास, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें दोस्तों, आज ना इस चीज का प्लास्टर हो रहा है, यहां पर पानी जमा होगा और ये पानी नीचे गिरेगा और फिर हमारा वाटरफॉल एक वाटरफॉल की शक्ल अख्तियार करेगा। जब तक पानी नहीं गिरेगा तो वाटरफॉल वाटरफॉल कहाँ रहेगा, वो तो फिर कुछ और ही होगा। ये देखें यार कितना प्यारा लग रहा है हमारा वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया। अब जो जो दिन गुजर रहे हैं जो जो बेहतर होता जा रहा है ये। तो भाई आज सारी बकरियों को हमने नहलाया है, एक दो तीन चार और भी हैं सारी, वो जितने भी खड़े हैं सब नहाई हुई हैं। देखिए कितना साफ साफ लग रही हैं। ये क्यों शोर कर रहे हैं? अकेला हो गया ना, पहली दफा नहा रहे। पहली दफा यार इतने बकरे को नहलाया। मैं कहता हूँ एक चीज करो, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो। और क्या है, पहली दफा ना। ये देखो यार, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, उसमें सारी बकरियां जाएं और नहा लें। ऐसा ही करना चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पर भी यार फर्श को हमने पक्का कराना शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पर मट्टी थी आपने देखा था, अभी जो है ना पक्का कर दिया। पहले ईंटें लगाई हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा दी, ये पक्का हो जाएगा। अगला स्टेप है हमारा इसको कलर करना और खूबसूरत बनाना, वो हम कल से शुरू कर देंगे। बहुत ही प्यारा यार बनने लग गया। और ऊपर से यहाँ पर जो हमारी आबशार है वो भी फिनिशिंग में है, वो भी बनने वाली है। हाँ मित्र, आप देख रहे हो कितना अच्छे से काम हो रहा है सारे। ये क्या है? पहले बूझो के मेरे हाथ में क्या है, दिखा दो। मुझे क्या पता, कोई परिंदा लग रहा है मुझे। कोई पकड़ा है क्या भाई? हमारा है? ही है। अच्छा, हम पैरेट नहीं लेकर आए थे। हाँ हाँ। उसमें एक वाइट पैरेट था। हाँ। उसको देखो भाई कितना बड़ा हो गया। ओए। ये देखो खुद बैठ भी जाता है अब। यार ये तो वाकई बड़ा हो गया। पूरा हफ्ता हो गया तुमने नहीं देखा यार। मैंने देखा है, मैं आता था ऊपर। ऊपर कहाँ आते थे, तुम्हें नहीं पता था कितने बड़े हो गए। ओए पागल, ये उड़ता भी है। ये क्या बात है, उड़ना सीख गया ये भाई अचानक से। मैंने कहा बड़ा भी हो गया और उड़ना भी सीख गया। तुराब ये उड़ जाएगा। तुराब तुराब पागल, ये तो कहाँ गया यार। पकड़ लो इसको ऐसे। गुड 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 गुड। ओए 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 यार किधर है, पकड़ लिया। ओए देखे तुराब, ये तो तेज हो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, ये तो जा रहा था बहन। भाई निकल जाता, आज से महंगा लिया था। चलो पागल, मैं तुम्हें दिखाने आया था। मैं क्या गया ये कोई हाल है तुम्हारा, इतना प्यार से तुम छोटे से तो तुम खुराक दे रहा हूँ, बेवफाई कर रहे थे तुम। हैंड टाइम करना, इनके पर निकालने पड़ेंगे अभी से। अभी से क्यों, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अभी कमरे में ठीक है। यार पता नहीं देखा कैसे उड़ के गया, बहुत तेजी में गया। हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि उड़ता भी है, उड़ना भी सीख गया है, क्योंकि टाइम लगाते हैं सीखने में। ये तो जल्दी सीख गया है, धक धक करा दी मेरी यार। शुक्र है पकड़ लिया है। पाल रहा था, एक ही पाल में उड़ना चाह रहा था। बेवफा तोता, इसका नाम बेवफा रख दो। निकल रहा है अभी भी, निकल रहा है। इसके पाँव को ऐसे पकड़ के रखो। अभी हम बाकी वाले तोते भी देखते हैं, वो उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते। मुझे लगता है उड़ सके, वो छोटे थे। हाँ, लेके वो छोटे हैं, लेकिन वो सारे कवर हो गए। क्या वो सारे कवर हो गए, तुम्हें नहीं पता ना, तुम देखते। दिखा दो ना मुझे, लेके आओ ना तुम। आना पड़ेगा इसको रख के, और बाकी के तोते लेके आओ जाओ। हाँ जी, ये देखो कितना बड़े हो गए माशाल्लाह। मैं सारे निकाल दिखाता हूं तुम्हें। थोड़ा एक मिनट क्या हुआ, इतने प्यारे लग रहे हैं ये, ग्रीन ग्रीन छोटे थे यार, देख रहे हो अब माशाल्लाह सबके पार आ गए सिप्टन। क्या बात है, सारे यहाँ निकाल दो, बाहर निकाल दो। उड़ सकते हैं, इनकी टेंशन नहीं है। पक्की बात है ना, धोखा दे रहा था। ये सारे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ यार ये देखिए हमारे तोते, छोटा था सिप्टन जिसको तुमने बोला था डायनासोर की तरह। वाओ ये भी बड़ा हो गया, सबसे छोटा था लेकिन अभी भी सबसे छोटा ही है जाहिर है। भाई ये देखो भाई, ये भी बड़ा हो गया। कितने क्यूट लग रहे हैं यार सारे के सारे एक साथ, कलरफुल हैं बहुत। ये देखो ये, वाओ ये देखिए दोस्तों हमारे तोते कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ सब। तो अभी इनको ऐसे बाहर छोड़ा करें, अच्छी बात है ना, अभी छोटे हैं सिप्टन। हाँ तेरे तोते देखते हैं ना सारे भाई काम छोड़ के आ गए और इधर शुरू हो गए देखना इनको। ये तोते हैं हाँ, और क्या है, चील के बच्चे। चील के बच्चे नहीं है, तोते ही हैं ये। आप तो ना भूले यार। हाँ, बोल गया। साथ हमारे लेके गए थे ऐसे ही थे, अभी जरा दूर दूर रहना थोड़ा सा। पिछली दफा लेके थे ना फियाज भी हमसे गिफ्ट लेके गए। हो गए भाई, वो कहते हैं वो अंडे भी देने वाले हैं। वो ले आना कभी आप फिर। हाँ ले गया था, उठा के ले गया था। जी जी हमने खुद दिया था, हमने प्यार से दिया था आपको।
अच्छा वो ना अंडे जब दे ना फिर हमें बताइएगा, हम देखने आएंगे। ठीक है भैया, आप खुद लेकर आए, मैं दिखा दें कितना बड़े हो गए। ठीक है, सही है, सुबह लेंगे पक्का। ठीक है ठीक है, सुबह देखते हैं यार, ले आएंगे फिर हम गिफ्ट आपसे वो ले लेंगे वापस। ठीक है, ये पड़े में आप ये ले जाना, मैं बड़े दे जाना। चलो यार, सबने देखा है, बहुत अच्छा लगा है सबको। हमारी इस चिक्की का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कभी उस घर में होती है, कभी इस दीवार के साथ चिपकी हुई होती है, मतलब कि इसको हम जहाँ दिल करते हैं बांध देते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, क्योंकि यार यहाँ पर जू बन रहा है ना। अभी फर्श डल रहा था, चिक्की को वहां पर बंद नहीं कर सकते थे, अब दीवार बनी तो चिक्की को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, कभी उस जगह शिफ्ट होती है बेचारी, कभी कहाँ भटक रही है कभी कहाँ भटक रही है, लेकिन इसका हम परमानेंट घर एक बनाएंगे, जू जू बन जाएगा कम्प्लीट। ये तो ऐशर फोन का चुटकी चिटकी चुटकू ये सब का घर भी बनाना है ना भाई, इन तीनों का घर बनवाना है भाई। अलहदा रखेंगे ऐश होना, अलहदा रहेंगे और बाकी ये वाले डॉग अलहदा रखेंगे, क्योंकि ये हमारे रेस्क्यू डॉग है ना सारे। ऐसे ही है, इस वजह से इनको अलग रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आबशार का ना जो स्ट्रक्चर है ना टोटली रेडी हो चुका है, अब अगला काम सिर्फ कलर का है। यहाँ पर देखें, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पानी जमा होगा, ऐसे भरते भरते यहाँ तक पानी आ जाएगा, फिर अंदर मोटरें वगैरह होंगी जो पानी खींच के ऐसे ऊपर ले जाएंगी, फिर ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, तो कितना ही प्यारा लगेगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, आप चाचा जी बता दें ये है क्या चीज, यहाँ से क्या होगा, पानी होगा क्या होगा, क्या इसमें पानी होगा और मोटर लगेगी। अच्छा, मोटर इसमें लगेगी, इसमें लगेगी मोटर और ये बंद हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। अच्छा, मोटर नजर नहीं आएगी इसलिए सुराख निकाले, नहीं तो ऊपर ऊपर नहीं रखा इसलिए। अच्छा, मैं और समझ रहा था कुछ। अच्छा, तो आप समझ रहे थे ये गटर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। चलो, बकरियां क्या, मोर क्या, खरगोश क्या, सारे एक ही चीज खाते हैं, सबको पसंद है ये चीज, डॉग्स भी यही खाते हैं। ओए, उंगली ना खाओ, उंगली ना खाओ प्लीज। और तुम ये बताओ भाई, ये कैसा है ये, तो पूछ ला रहे तो जिंदा है। अच्छा है, अच्छा तो लग रहा है तेरा यार, ये अभी अभी आया है मेरे पास। ठीक अच्छा। है, और बताओ सिप्तन, ये ले ले, बड़ा तो नहीं है, ले लो सही है, ठीक है, प्यारा क्यूट है, क्यूट है यार। ये देखें, ये रॉटवेलर पपी आया है, और अब हमने कंफर्म करना है कि हम ये लें या ना लें, और आप मुझे गौर से देखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और एक बात यार, खुदा का वास्ता है, वहाँ भैया को मैसेजेस ना करें, उनको पता चल रहा है, शक पड़ रहा है, पत्नी कौन शरारत कर रहा है ऐसी, उनको पता चलता जा रहा है। प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में उनको कुछ ना कहा करें, मैसेज स्पेशल ना भेजा करें, बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा हमारे लिए, हम बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, आप नहीं समझ सकते। खैर यार, कोई बात नहीं, देख लेंगे, निपट लेंगे, जो भी होगा। तो आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हो ये, इधर शिफ्ट कर दिए तुमने? हाँ, मैंने कर दिया इधर शिफ्ट। अच्छा, हाँ। वो कोने में बैठे हुए फिर सारे नीचे छुपे हुए भाई, सारा दिन आए इन्होंने, अब उधर ही छुपे हुए यार। चलो, इनका पूल बनाना है यार, घर बनाना है यार। कितनी दफा मैंने बोला यार, इनका पूल बनाना है, तुमने कुछ बोला है, सीरियस हुए तुम? मैंने फिर इनको आज इधर ही छोड़ दिया, इधर इन्होंने मेहनत लगती है पूल बनाने में, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं मजाक में। बस ठीक है, ये भी ठीक है, इनके लिए घर अच्छा है ये। अच्छा, बंद कर दो। ठीक है, वहाँ पर हमारे डक के बच्चे यार खेल रहे हैं, खुश हैं, बड़े भी हो रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मोर की मुझे समझ नहीं आती ना, इसका पूंछ है ना इसके पर है, फिर भी पता नहीं ये कैसे उड़ जाता है, मुझे समझ नहीं आती, पागल तो नहीं? मैंने कल इसको देखा है कैसे चढ़ रहा था, मैं बता दूं तुम्हें। पहले चढ़ता है इसके ऊपर, हाँ। यहाँ से जाता है इधर। अच्छा है? अच्छा, फिर ऊपर चला जाता है भाई। अच्छा, मतलब जंप्स करके ऐसे ऐसे हल्के, हाँ। उड़ता नहीं है उसको यार, यहाँ पर मजा नहीं आता, हाँ। रात को ऊपर ही बैठना चाहता है वो। अच्छा, ये सीन है ना, उसका दिल ही नहीं लगता नीचे। गलत बात है यार, आजा। तो ये है दोस्तों हमारा डोरा, काफी कमेंट्स मुझे आ रहे थे, भाई आपने काफी दिनों से डोरा को नहीं दिखाया, डोरा कहाँ चला गया, डोरा को कुछ हो तो नहीं गया? भाई ये देखें, ये हमारा डोरा, डोरा को कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर ही घूम रहा होता था। कितना बड़ा हो गया देख रहे हो, देखें कितना बड़ा हो गया है, जब देखा होगा आपने इतना सा होगा, अब देखें मैं इसको भी नहीं उठा पा रहा, इतना बड़ा हो गया है, मोटू सा हो गया, मोटू सा, क्यूट है, क्यूट है, सबसे क्यूट है ये। हाँ, बहुत प्यारे यार है ना। हाँ, क्यूट है। हाँ, देखो यहाँ से बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, आंखें भी तो नहीं हुई ना। सारे लोग तुम्हारा पूछ रहे थे भाई कि डोरा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। डोरा ये है आपके सामने, इसको मैं छोड़ता हूँ भाई, चलो भागो। हाँ जी, तो यहाँ से यार मैंने चुकंदर उठाए है, क्योंकि हमारी कैर में चुकंदर हो गए थे, बड़े हो गए थे, मैं कैसी को खिलाता हूँ। आ जाओ भी कैसी, ये लो, तुम्हें पसंद आएंगी ये चीजें, सब्जियां फल तुम खाती हो ना, मीठी चीजें, ये लो खाओ, मजे की है। हाँ जी, ये देखो, ये खा के देखो, अच्छा लगेगा। ये क्यों तोड़ के आए हो यार? वो खाती है, वो देखो, वो पड़ा, वो नीचे गिरा दिया यार। चुकंदर थे यार, जब टाइम पूरे चार महीनों से मैं वेट कर रहा हूँ, तुम कैसे को खिला रहे हो यार? तो कैसे खा, गुस्सा हो गया ना, उन्होंने मना किया हुआ था मुझे।
अच्छा अब और नहीं उठा, एक दो उठा, मुझे सारा जाया हो गया यार, हाथ नहीं होगा। अच्छा फिर नहीं करूंगा, गलती होगी यार, मुझे उठाने दो। कैसी को भी ऐसा लगता है यार, नहीं कर रही वो, मुझे उठाने दो, सारे तोड़ दिए तुमने, दो तोड़े हैं बस। किधर इसको उठाओ, अब चलो। एंदा अगर तुम चुकंदर के खेत में गए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खेत मैं कहता हूँ 400 एकड़ की जमीन पे खेत है तुम्हारा। तो शाम हो चुकी है दोस्तों, और अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, हम जाते हैं घर, थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। चलो भाई आ जाओ। चलो चलो। तो रात हो चुकी है दोस्तों, और सारे हमारे जानवर परिंदे रेस्ट कर रहे हैं। ये देखें हमारी बड़ी डक्स ना अपनी गर्दनों को परों में छुपा के बैठी हुई हैं, और यहाँ पर हमारे रैबिट्स भी रेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर हमारे क्यूट डक्स बेबी अभी तक पानी में खेल रहे हैं। भाई इनको पानी इतना पसंद आ गया, देखें मज़े से घूम रहे हैं। भाई एक तो अंदर ही चला गया, इसको निकालना पड़ेगा फिर यार। कोई नहीं, अभी घूमते रहे, थोड़ी देर तक निकाल दूंगा। अभी ये देखें बड़ी हमारी डक्स, वुड डक भी वहाँ पर ठहरी हुई हैं। यहाँ पर सारे सारे नहीं, कुछ अंदर हैं, नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बाहर हैं। खैर दोस्तों इनको हम इंजॉय करने देते हैं, काफ़ी दिनों के बाद ये जगह मिले इनको। पहले तो छोटी सी जगह में थे, और वो जगह इनकी ये वाली थी, इधर ही रहे थे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सर ऐसे ही बैठे रहेंगे इधर ही? हाँ अब तो बाहर ही होते हैं भाई, दूसरा दिन है आज। जी हाँ।